सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि वही अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है यूजिंग अलीबाबा एज अ सेलर एंड बायर, और हमने क्योंकि जो क्रिएट किया है वो यूजिंग फॉर बोथ था, यानी मैं उससे चीज़ परचेज भी कर सकता हूँ, बाय भी कर सकता हूँ, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज़ फॉर बी टू बी ट्रांजेक्शन ओनली, यानी बिजनेस टू बिजनेस ये कम्युनिकेशन हो रही है आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट. अब हम ये देखते हैं कि हम अकाउंट में अपने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बी टू बी की जो अलीबाबा का पोर्टल है उसके अंदर प्रोडक्ट लाइव ऐड नहीं होते. लाइव ऐड से मुराद ये होती है कि उसकी प्रॉपर अप्रूवल होती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन क्वालिटी. तो जो भी आप प्रोडक्ट सबमिट करते हैं टू बी एडेड इनटू योर अकाउंट, वो एक प्रॉपर अप्रूवल के प्रोसेस से गुजरता है. जैसे ही आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है तो वो कोई दूसरा बायर, पोटेंशियल बायर सर्च करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वही होगी जो फॉर्म फिल किया अकाउंट क्रिएट करते वक्त हमने दी थी. सो लेट मी शो यू द प्रोसेस हाउ वी कैन ऐड अ प्रोडक्ट यूजिंग अलीबाबा अकाउंट. सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लॉग इन होंगे तो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन विच यू विल सी. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे माय अलीबाबा पे, आप लेट सपोज क्लिक करते हैं मैनेज प्रोडक्ट. बेसिकली आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करेंगे जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे. अब ये पेज बेसिकली लोड हुआ है. अब यहाँ डिस्प्ले न्यू प्रोडक्ट, मैनेज फोटो बैंक एंड सो ऑन, और प्रोडक्ट लिस्टिंग भी आपके पास है. यहाँ पे बेसिकली आप क्लिक करेंगे डिस्प्ले आ न्यू प्रोडक्ट. जैसे ही आप डिस्प्ले आ न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, अब आप देखें ये करंटली आपको व्यू शो कर रहा है कि अब प्रोडक्ट लिस्टिंग का बेसिकली आपको व्यू ये लोड कर रहा है कि अभी कौन से प्रोडक्ट है. ये अकाउंट क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है. अब ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अप्रूव्ड, एडिटिंग रिक्वायर्ड, अप्रूवल पेंडिंग, स्केच एंड सो ऑन. हमारे इंटरेस्ट की क्या चीज़ है कि जैसा हमने अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन किया था, मजेंटो किया था, प्रेसर शॉप किया था, तो उसमें राइट अवे प्रोडक्ट हम लोग को नजर आ रहा था क्योंकि उसके एडमिन या हम खुद थे. अब इसमें एडमिन क्योंकि हम खुद नहीं है तो वी विल सबमिट अ प्रोडक्ट फॉर अप्रूवल. अब जैसे मैं डिस्प्ले न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नई शीट में ले जाएगा. मैंने शीट पहले ओपन की हुई है तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आएगा. तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप एंटर करना चाहते हैं. मैंने लिखा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. उसके बाद जैसे मैंने स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया, उसकी सब कैटेगरीज, इसका फ्लो बिल्कुल वही है जो मैजेंटो का या अप्रेसर शॉप का या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट का. तो स्पोर्ट्स में लेट सपोज मैं करता हूँ टेनिस. जैसे ही मैंने टेनिस पे क्लिक किया तो अब आप देखें यहाँ पर ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है. अब वो कह रहे जी टेनिस में क्या, लेट सपोज मैं कहता हूँ रैकेट. जैसे ही मैंने रैकेट पे क्लिक किया, अब आप देखें ये मेन कैटेगरी, ये सब कैटेगरी, ये उसकी सब कैटेगरी. तो ये तीन लेवल की आप कह लें हमारे पास है. मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब वो कहते जी इमेज प्रोडक्शन एग्रीमेंट आई हैव टू रीड इट. मैं कहता हूँ नॉट नाउ. ये बेसिकली मैं आपको पेज दिखाना चाह रहा था. ये बिल्कुल मोर और लेस वही पेज है जो हमने प्रेस्टो शॉप या मैजेंटो शॉप करते वक्त ऐड किया था, कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है. प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का कीवर्ड है अगर कोई SEO से रिलेटेड चीज़ है, प्रोडक्ट का ग्रुप है, उसकी लेंथ है, वेट है, फेस है एंड सो ऑन. उसके बाद ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन है कि उसकी यूनिट टाइप क्या है, आप उसकी प्राइसिंग क्या देना, पहले उसकी यूनिट टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग US डॉलर में रखनी है या नहीं रखनी एंड सो ऑन. उसके बाद लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, नियरेस्ट पोर्ट कौन सी है. फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से कोई शिप करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल चाइना, तो आप यहाँ पोर्ट बताएं, फॉर एग्जांपल कराची पोर्ट है या गवादर पोर्ट है, जो भी आप जहाँ से भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. ये प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूँ. सप्लायर अवेलेबिलिटी है और पैकेजिंग डिटेल्स है. जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू सबमिट इट. जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो अलीबाबा का फ्लो ये है कि ये कुछ टाइम लेता है, प्रोसेसिंग टाइम लेता है, ताकि वो ये मेक श्योर करे कि आपका प्रोडक्ट अगर यानी उसमें डाटा जेन्युइन है और क्वालिटी का है तभी वो अवेलेबल करे. बाकी जो सप्लायर्स हैं जो अलीबाबा पे ऑलरेडी एज अ बायर या
एज अ सेलर या बोथ रजिस्टर्ड है, तो ये प्रोडक्ट फिर आपको एक्सेसिबल हो जाएगा बाकी बायर्स के लिए. तो दे कैन कॉन्टेक्ट यू फॉर होल सप्लाई, यानी बल्क सप्लाई के लिए, एंड सो ऑन. सो दिस इज द लास्ट स्टेप बिफोर यू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन अलीबाबा.